नमस्ते, मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइज़र रामकृष्ण कुल लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच पोर्ट ब्लड से बता रहा हूँ। आज मैं म्यूचुअल फंड या शिप वर्सेस LIC के बारे में बता रहा हूँ। म्यूचुअल फंड और शिप जो होता है उसका साथ LIC में कुछ मतलब मिलजुल है। जैसा LIC लॉन्ग टर्म होता है, म्यूचुअल फंड या शिप भी लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड या शिप में कोई फिक्स डेट नहीं रहता, डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं रहता। इधर में LIC में आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी रहेगा। सोचिए आप अभी 2024 मई महीना में एक LIC खरीदा है और आप इसका डेट ऑफ मैच्योरिटी है 20 इयर्स के लिए आप लिया है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी है 2044 मई महीना में। अगर आप म्यूचुअल फंड या शिप लेता है, अगर आप लॉन्ग टर्म लेता है, उसमें भी आपका 2024 में उसका मई महीने में मैच्योरिटी है, लेकिन उस टाइम जाके आपका मैच्योरिटी मिल भी सकता, नहीं भी मिल सकता। अगर मार्केट डाउन है तो आप नहीं उठा सकता, उस टाइम आपका वेटिंग में रहना पड़ेगा। और LIC क्या है, एक फिक्स डेट है, डेट ऑफ मैच्योरिटी, वो डेट में आपका पैसा जरूर मिल जाएगा। दूसरा साइड क्या है, म्यूचुअल फंड में आपका 100% जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ का आशा लेके बहुत जो प्रपोजर है, जो गार्जियन लोग है, वो लोग म्यूचुअल फंड या शिप खरीद लेता है। लेकिन आफ्टर 2-3 इयर्स कम से कम 75% लोग म्यूचुअल फंड या शिप उठा लेता है। मार्केट फॉलोअप करते करते जब वो डाउन अप डाउन होते रहता है तो उसका मन में ये जो उतार चढ़ाव होता है, उसका मन में डर पैदा होता है, डर का वजह से वो मतलब उठा लेता है। ओनली 25% लोग 8-10 साल तक जाता है, 10 साल का अंदर में और कम से कम 20% लोग ये मार्केट उतार चढ़ाव के कारण फंड उठा लेता है, म्यूचुअल फंड हो शिप हो उठा लेता है। और बाकी जो 5% लोग लास्ट तक टिका रहता, लेकिन इसी में किसी किसी को बेनिफिट होता, किसी किसी का बेनिफिट नहीं होता है। दूसरा साइड अगर LIC आप लेता है, LIC में जैसा एक सोचिए एक टर्म राइडर पॉलिसी ले लिया या PWB ले लिया। टर्म राइडर पॉलिसी में क्या है, सोचिए अगर आप प्रीमियम देते देते आपका कोई कारण आपका मतलब डेथ हो गया, तो आपका ये जो नॉमिनी है उसका फुल क्लेम मिल जाएगा, डेथ क्लेम मिल जाता। सोचिए आप कोई एक्सीडेंट में आपका मतलब डिजेबिलिटी हो गया, नॉट मूवमेंट फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम, तब आपका क्या करेगा, आपका आप जिंदा रहते हुए भी आपका एक मतलब पेमेंट, आप डेथ क्लेम भी मिल सकता। अगर आप जीवन लक्ष्य पॉलिसी लेता तो आपका जो सम एश्योर्ड साथ दिया जाएगा, और सम एश्योर्ड का जो 10% गारंटेड रिटर्न आपका PPT जितना दिन प्रीमियम पेइंग है उतना दिन आपका देते रहेगा। इस तरह है, अगर बच्चा लोग का पॉलिसी PW में लिया, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, तो आपका क्या है, आपका अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता, आप डेथ हो जाता, तो आपका बच्चा का जो प्रीमियम है वो और देने का ज़रूरत नहीं, वो मुकुब हो जाएगा, वेव हो जाएगा और देने का ज़रूरत नहीं है। वो पैसा कौन भरेगा, LIC भरेगा। कब तक, जब तक उसका प्रीमियम पेइंग टर्म था तब तक, उसके बाद मैच्योरिटी में एज इट इज़ बच्चे को मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें LIC में यही एक मतलब सिस्टम है, यह में आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी फिक्स्ड होता है। दूसरा बात है, इसमें आपका गारंटेड पॉलिसी लेने से आप गारंटेड ले सकते हैं, जैसा आपका गारंटेड पॉलिसी आपका पेंशन स्कीम जैसा गारंटेड है, 945 टेबल जीवन उमंग आपका 8% सम एश्योर्ड के ऊपर लाइफ टाइम गारंटेड है, जीवन उत्सव 10% लाइफ टाइम गारंटेड है, जीवन शिरोमणि बीमा श्री ये सब गारंटेड पॉलिसी है, और सिंगल डिपॉजिट में जीवन शांति जीवन अक्षय 7 गारंटेड पॉलिसी है। तो ये सब आप लोग फॉलोअप कर सकते हैं। पैसा खाली बढ़ाने के ग्रोथ का आशा में म्यूचुअल फंड जाना या शिप में जाना, इस तरह मतलब इसमें पैसा बढ़ भी सकता नहीं भी बढ़ सकता। तो खाली अपना लिए लेने से ठीक है, लेकिन बच्चे लोग के लिए ये ठीक नहीं है, रिस्क फंड में जाना नहीं है। अंत में सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और सबका कुशल कामना करता हूँ। मैं मोहन मिस्त्री, फाइनेंशियल एडवाइजर रामकृष्ण कुल लिटिल अंडमान फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया अंडमान ब्रांच पोर्ट ब्लड।